आज हम समझेंगे ई वॉलेट्स यानी ई जेब के बारे में। विमुद्रीकरण के कारण सबको नकद रुपए की कमी हो गई है। आजकल अगर हम किसी भी प्रकार का सौदा करना चाहते हैं, ई जेब का उपयोग हमें बहुत लाभदायक होगा। डिजिटल भुगतान के दो प्रकार होते हैं। पहला, स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए, वे UPI या मोबाइल जेबों के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए, जो USSD का प्रयोग कर भुगतान कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार में समझेंगे। इन साधनों द्वारा भुगतान के लिए सिर्फ एक आवश्यकता है, जो है बैंक खाता होने की। अगर आपका बैंक में खाता है तो आप इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा उन मोबाइल चालकों के लिए है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं। USSD का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है एक बैंक खाता और एक GSM नेटवर्क के साथ मोबाइल फोन। USSD की सुविधा अपने मोबाइल पर चालू करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने बैंक जाकर अपना मोबाइल नंबर अपने खाते से जोड़ें। इससे आपको आपका MMID और MPIN नंबर मिलेंगे। ये दोनों नंबर जरूरी हैं। इन्हीं का इस्तेमाल कर आप USSD द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे USSD द्वारा आप किसी भी सामान्य फोन से अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंक या ATM के अन्य सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने फोन के डायलर ऑप्शन पर जाएं, *99# दबाएं और कॉल करें। आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यदि आप अपने बैंक के शॉर्ट नेम के 3 अक्षर टाइप करें या बैंक का जो IFSC कोड होता है उसके पहले 4 अक्षर टाइप करें या आपके बैंक का न्यूमेरिक कोड टाइप करें तो आपके बैंक के ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं SBI के IFSC कोड के पहले 4 अक्षर टाइप करता हूँ तो मेरे सामने SBI के ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि मैं अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता हूँ, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकता हूँ, MMID या IFSC द्वारा पैसे भेज सकता हूँ, MMID, MPIN या OTP जेनरेट कर सकता हूँ। तो उदाहरण के तौर पर मैं IFSC द्वारा पैसे भेजने का प्रयत्न करता हूँ। अब इस विंडो में आप जिसे पैसे भेजना चाहते हैं उसके बैंक के IFSC कोड को टाइप करें। याद रखें, IFSC कोड पैसे भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइप करने से पहले IFSC कोड दोबारा जांच लें। अब आप जिसे पैसे भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर टाइप करें। अकाउंट नंबर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो अकाउंट नंबर टाइप करने से पहले एक बार दोबारा देख लें। अब आप जिसे जितने पैसे भेजना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप कीजिए और एक स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आप कुछ भी रिमार्क टाइप कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र या सेंड, पर यह ज़रूरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आप अपना MPIN टाइप कीजिए। MPIN होता है आपका ATM पिन। जब आप ATM में अपना कार्ड घुसाते हैं और आपको अपना पिन टाइप करना होता है, वही होता है आपका MPIN। इस विंडो में आप अपना MPIN टाइप करेंगे और सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पैसे आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अपने बैंक का IFSC कोड जानने के लिए प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च बार पर टाइप करें बैंक IFSC कोड ऐप। यहां आपको दिखेगा ऑल बैंक IFSC कोड ऐप इंडियन। इस ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल हो जाने पर उसे खोलें, आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा। अब क्लिक करें फाइंड बाय बैंक नेम। यहाँ हर बैंक की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं चुनता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको देना पड़ेगा स्टेट, तो स्टेट के तौर पर मैं चुनता हूँ महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट के तौर पर मैं देता हूँ मुंबई और ब्रांच
देता हूँ चिंचपोकली ईस्ट। फिर दबाइए सबमिट। तो आपको आईएफएससी कोड, एड्रेस और एमआईसीआर मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक का आईएफएससी कोड SBIN0017594 है। इसी तरह आपको किसी भी बैंक का किसी भी लोकेशन पे, किसी भी ब्रांच में उसका आईएफएससी कोड एवं उसका एड्रेस मिल जाएगा। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान का पहला साधन है UPI, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नमस्ते, यहाँ हम सीखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि UPI को इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर जानेंगे कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए और UPI सर्च कीजिए। तो आपको बहुत सारे बैंक के UPI दिखेंगे, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड करेंगे इलाहाबाद बैंक का UPI, तो उस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल दबाइए और डाउनलोड शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐप डाउनलोड हो गया है, हम उसे खोलते हैं। अब खुलने के बाद ऐप सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहेगा, तो वो आपको एक SMS भेजेगा और उसका चार्ज आपको लगेगा। और SMS भेजने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया हो गई है और आप रजिस्टर हो गए हैं और अब यह ऐप जल्द ही खुल जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर आ गया, अब आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कीजिए और अब आप अपनी डिटेल्स डालिए। जैसे पहला नाम तो यहाँ पे है अथुल, फिर सरनेम या आखिरी नाम जो है विश्वम, उसके बाद जेंडर, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालिए। अब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अंत में एक वर्चुअल एड्रेस जो आप खुद बनाएंगे, जो UPI के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो UPI से कोई भी लेन देन करना है तो आपको वर्चुअल एड्रेस लगेगा। अब आप अपना लॉगिन पिन सेटअप करेंगे, तो आपको अपना 4 डिजिट का लॉगिन पिन खुद से सोच के डालना है। तो यहाँ हमने डाला 1234, आप कुछ भी डाल सकते हैं बट याद रखिए कि क्या डाला। फिर आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे जिसका उत्तर आपको पता हो। और अब आपको जब भी ये ऐप खोलना है तो आपको पहले लॉगिन पिन डालना होगा, तो इसके जरिए कोई और आपका ऐप नहीं खोल पाएगा जिसको लॉगिन पिन के बारे में पता ना हो। तो अब ऐप खुल गया है, तो आप देख सकते हैं कि ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस है, पे, कलेक्ट, बैलेंस इंक्वायरी, मैनेज अकाउंट्स, मैनेज वर्चुअल एड्रेस, मैनेज बेनिफिशियरी, अप्रूव रिक्वेस्ट, UPI पिन मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन स्टेटस एंड कंप्लीट। तो आप इसके जरिए आपके अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, वर्चुअल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप नीचे की ब्लू पट्टी में भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे डी रजिस्टर ऐप, अगर आपको अपने मोबाइल नंबर से ऐप को रजिस्टर नहीं करवाना या वो मोबाइल नंबर हटवाना है, या माई प्रोफाइल, चेंज लॉग इन पिन, स्कैन एंड पे जनरेट। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पेमेंट कैसे करना है या किसी को पैसे कैसे भिजवाने। तो सबसे पहले हम पे पे क्लिक करेंगे। वो बोल रहा है कि हमने किसी बैंक खाते को UPI से लिंक नहीं किया, तो चलिए सबसे पहले एक बैंक खाते को लिंक करें। तो हम देखेंगे हमारा बैंक किस हमारा खाता किस बैंक में है, कैनरा बैंक में। तो हमने कैनरा बैंक सर्च किया और यह देख रहा है कि इस मोबाइल नंबर से यह खाता जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं लिंक कर रहा हूं और यह खाता लिंक हो गया। तो यानी अब जो भी लेन देन होगा वो इस खाते के द्वारा होगा। तो अब हम किसी को
पे करेंगे तो यह स्क्रीन जनरेट होगी आपके सामने। एक चीज आप ध्यान रखिए कि वर्चुअल एड्रेस के अंत में एट द रेट और यह ऐप जिस बैंक का है उसके सिंबल्स होंगे। जैसे यहाँ है अथुल विश्वम एट द रेट ALL बैंक यानी अलाहाबाद बैंक, क्योंकि हमारा ऐप अलाहाबाद बैंक का है। वैसे ही आप जिसको पैसे भेजना चाहते हैं उसका वर्चुअल एड्रेस आपको डालना होगा और आपको उससे जानना होगा कि उसका पूरा वर्चुअल एड्रेस क्या है। तो यहाँ मैंने अपने दोस्त का वर्चुअल एड्रेस डाला था, फिर मैं राशि डालूंगा, फिर कमेंट्स में मैं डाल सकता हूँ कि मैं क्यों पैसे भेज रहा हूँ, यह जरूरी नहीं है बट डालना चाहिए, और अंत में सबमिट दबाने से पेमेंट हो जाएगा। और यह था इस ऐप के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। हमें उम्मीद है आपका फायदा हुआ होगा इससे, तो आप इसके और भी फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद। ई वॉलेट यानी ई बटुए, इन आवेदनों की मदद से हम समान ई बटुए वाले को मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। ई वॉलेट्स भिन्न प्रकार के होते हैं जैसे पेटीएम, फ्री चार्ज आदि। ई बटुए का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास एक बैंक खाता और इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल फोन हो। सेटअप प्रक्रिया, सबसे पहले जो ई बटुआ आवेदन आप उपयोग करना चाहते हैं उसका अधोभारण कीजिए। इसके पश्चात आप बुनियादी जानकारी देकर अपना बटुआ खाता बनाएं। तो इस वीडियो में हम आपको कोई भी मोबाइल वॉलेट इंस्टॉल कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, मोबाइल वॉलेट सर्च कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आ गए हैं। हम उसमें से एक चूज करेंगे और बाकी सारे मोबाइल वॉलेट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। हम पेटीएम सेलेक्ट करेंगे और इस पे इंस्टॉल दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पेटीएम डाउनलोड हो भी तुरंत इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसे खोलेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, पेटीएम लोड हो रहा है। अब आप अपनी भाषा सेलेक्ट कीजिए जिस भाषा में आप इस ऐप को चलाना चाहते हैं। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब पेटीएम कुछ परमिशंस मांग रहा है जिसमें हम अलाउ पे क्लिक करें। अब हम सबसे पहले पेटीएम में हमारा एक अकाउंट बनाएंगे, तो वह कैसे करना है आप नीचे देख सकते हैं कि प्रोफाइल नाम का एक ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ यह बोल रहा है लॉग इन टू पेटीएम, उस पर क्लिक करेंगे। परमिशंस पे अलाउ क्लिक करेंगे। अब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि आप फेसबुक के जरिए या गूगल अकाउंट के जरिए भी पेटीएम में अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप वह चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन जनरल तरीका होता है कि साइन अप ऊपर क्लिक कीजिए क्योंकि आप नया अकाउंट बना रहे हैं। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद चाहे तो अपना ईमेल आईडी डालिए, खुद के लिए एक पासवर्ड बनाइए। और फिर साइन अप पे क्लिक कीजिए जिससे आपका अकाउंट बन जाए। तो अब हम पेटीएम से क्या करना चाहते हैं, हम एक तो इसके वॉलेट में पैसे डालना चाहते हैं और अपने किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं या किसी दुकानदार को पेमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। इसमें हम अकाउंट में कुछ पैसे डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ 100 रुपये, तो मैंने 100 दबाया। अब ऐड मनी किया, आपको ये कार्ड नंबर मांगेगा, फिर एक्सपायरी डेट और अंत में CVV मांगेगा, और उसके बाद वो सिक्योर पेमेंट गेटवे जो होता है वहाँ पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे आपको कार्ड का कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने पहले कभी सेट किया होगा। और अगर आप पहली बार कार्ड से कुछ कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि आप अपने कार्ड के पेमेंट के लिए एक पासवर्ड सेट करो या वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। हम किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो मैं पे पे क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हैं कि इसने एक सिक्योरिटी स्वाइप फीचर बनाया है जिसके ज़रिए कोई और गलती से आपके पेटीएम अकाउंट से पैसे किसी को ना भेज दे। आप चाहे तो इस फीचर को यूज कर सकते हैं,
अभी के लिए हम यह यूज नहीं करेंगे। अब मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। अब मैं जिसको पैसे भेजना चाहता हूँ उसका मोबाइल नंबर डालूंगा, जैसे फिर मैं अमाउंट डालूंगा कि मैं कितना कितने पैसे भेजना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा 20 रुपये, और फिर मैं लिखूंगा कि मैं क्यों पैसे भेज रहा हूँ। यह लिखना ज़रूरी नहीं है, बट इससे हम जब बाद में देखेंगे कि मेरे पेटीएम अकाउंट में से केवाईसी कितने पैसे कटे कैसे कटे, तो यह काफ़ी काम आएगा। तो मैं अमाउंट लिख दूंगा कि मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूँ, और फिर सेंड पे क्लिक करने के बाद यह पैसे भेज दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना सरल है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे और भी ऑप्शंस है, जैसे ऐड मनी और पे तो हम देख चुके, पासबुक जिसमें आपको आपके अब तक के सारे लेन देन का इतिहास दिखेगा, फिर एक्सेप्ट पेमेंट यानी आप किसी से पैसे लेना चाहे तो उसके लिए वह है, फिर आप मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, फिर बस टिकट, प्लेन की टिकट, ट्रेन की टिकट इसके ज़रिए बुक करवा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो याद रखें कि जब ऐप का नया वर्जन आएगा तो वो इससे थोड़ा अलग हो सकता है, उसमें और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं और वह और भी परमिशन मांग सकता है आपसे, तो जो भी हो आप ध्यान से उसे पढ़े और फिर अलाउ कीजिए, और ऐप को यूज करना तो सरल ही रहेगा। धन्यवाद।